पायलट ग्रेनेड तो नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पर ये कुक ग्रेनेड है जो ओपनिंग निकाल कर देकर जाएगा डेफिनेटली यहाँ पर क्लच गॉड वाज द वन निकालेंगे ओपनिंग और टीम एंटिटी को रोकना आज मुझे किसी भी तरीके से आसान नहीं लग रहा है। गन जल्दी हो सके ना अपने टीम को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, बट इसी बीच क्लच गॉड को कहीं से कहीं मैं अगर देख रहा हूँ रेड हाउल के अगेंस्ट उनकी बैटल हमें देखने वाले जोनाथन के ऊपर एक बड़ा दारोमदार सीवी उनके आईशेल को यहाँ पर अभी के लिए कर चुके टेकडाउन और मेरे ख्याल से फिनिश ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बट रेड हाउल का कहाँ गया, उनका रिइंफोर्समेंट आना चाहिए था अभी तक तो शायद। आई थिंक ये रोटेशन के बीच में कुछ रोटेशनल वहीक्युलर क्लैश हुआ, वाशु भी डाउन हो चुके, 420 भी डाउन हो चुके, वीरू बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग और सामने क्लच गॉड को रिवाइवल दिया जा रहा है। क्या वीरू यहां पर एक मोमेंटम शिफ्टिंग नॉक निकाल सकते हैं? जी गॉड कमिंग अप विद दैट व्हीकल, एक ऑफ गार्ड एंगल से ही आ रहे थे, डायरेक्टली रशिंग डालेंगे, शायद वीरू की लोकेशन अभी तक के लिए रिवील नहीं है, बट वीरू को आएगा ग्रेनेड जो जी गॉड को कर देगा डाउन। नियो भी आगे जा रहे हैं, क्लच गॉड की एचपी यहां पर बहुत कम है, बट आई थिंक पांचवा फिनिश सिक्योर कर चुके हैं। कोई तो यहां पर मैजिक हुआ जो वीरू को डाउन दिया गया एंड सभी को रिवाइवल मिल जाएगा, बट दैट ट्रबल जो शुरू किया था वीरू ने थोड़ा सा अगर बढ़ता तो मजा आता, इंटरेस्टिंग बनता, बट कहीं ना कहीं खतरा टल चुका है। रेड हाउल की टीम अर्ली इन द मैच यहां पर एलिमिनेट होती हुई और टीम एनटीटी को शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फिनिशेस स्पीड के ऊपर ध्यान दिया, देखा कि कुछ नॉकआउट हुए, लेकिन शायद ही थोड़ा सा पॉज कहीं एनटीटी के ऊपर भारी ना पड़ जाए क्योंकि सारे खिलाड़ी अगर आप देखेंगे माय भी सभी के सभी रिकवर्ड हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, बट ये अग्रेशन जाना जाता है, ये इसीलिए जानी जाती है एनटीटी की लाइनअप, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने कल तो देख ही लिया था, वो ऑफगार्ड एंगल का एक प्लेयर है जिसको नेड करते हुए शॉट स्पॉट कर लिया जोनाथन ने, एंड दैट इज द वन जो ओपनिंग निकाल कर अब देके जाने वाला है। क्या जोनाथन अब ग्रेनेड करेंगे? जी हाँ, बट ये कितना प्रोडक्टिव होगा, टाइम इतना जरूर मिल गया था वहां पर इनिशिएटिव के प्लेयर्स को कि वो आराम से हील कर ले और पूरा रेडी हो जाए इस फाइट के लिए, बट मौका देने के बावजूद भी जिस चीज के लिए जानी जाती है टीम उसे एक बार फिर से सही प्रूव करा, ये अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जोनाथन एक बार फिर से अग्रेसिव मोड के अंदर सामने कुछ और प्लेयर्स को स्पॉट किया था, एंड यू नेवर नो एक और रश आ सकता है यहां पर। क्लच गॉड की अगर बात करें थोड़ा सा टीम से अलग हैं, तो होपफुली अपने टीम के साथ जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। बेशक थोड़ी एनटीटी की टीम एक ओपनिंग नियो ने जरूर से निकाली है, एंड ये लीजिए अगर कुछ रैंडम फायर जाते हैं तो यू नेवर नो एक और ओपनिंग निकल सकती है। सी गॉड को नॉक किया गया था, उन्हें रिवाइवल यहां पर मिल चुका है, बैक पूरी क्लियर है, जोनाथन बहुत पीछे है, नियो आई थिंक इज द वन जो इस अग्रेसिव मोड को अब अंजाम देने वाले हैं, बट ये लीजिए से गलती हो गई दोस्त, मैंने कहा था कि जोनाथन पीछे है बट अब ये सबसे आगे जाना चाहते हैं, और ये लीजिए टीम अंतर्यामी के पास पहुंच चुका है ये गॉड लेवल खिलाड़ी जो कि अब ग्रेनेड करने वाला है। क्या ओपनिंग मिलेगी ये अभी पता चल जाएगा, पायलट ग्रेनेड तो नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पर ये कुक ग्रेनेड है जो ओपनिंग निकाल कर देकर जाएगा डेफिनेटली यहां पर क्लच गॉड वाज द वन निकालेंगे ओपनिंग और टीम एंटिटी को रोकना आज मुझे किसी भी तरीके से आसान नहीं लग रहा है। गन पावर हो या ग्रेनेड्स की बारी हो, बिना किसी डैमेज के इन्होंने टीम अंतर यामी को एलिमिनेट कर दिया। आप एचपी देखिए, एक सिंगल बुलेट का डैमेज भी नहीं लिया किसी खिलाड़ी ने, ये बहुत अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो विजिबल हुई है। एस पावर लॉबी के अंदर खेल जरूर रहे हैं बट किसी और टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये देखिए आप टीम एंटिटी एक बार फिर से किल्स निकालने की बारी, अभी अंतर्यामी की टीम थी और अब बारी आ गई हाइड्रा की टीम की, 17 फिनिशेस ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी अभी के लिए। आई थिंक सोल की टीम एलिमिनेट हो चुकी है गेम्स ऑफ किलफीड के अंदर, मैंने जितना रीड किया था जोनाथन विद दैट टाइम 249 हो चुके, नॉकआउट क्लच गॉड बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, उन्हें भी यहां पर नॉकआउट कर दिया गया, इट्स ऑल अबाउट टू फॉर सी गॉड एंड नियो, कितना यहां पर अग्रेशन अब देखने को मिलेगा। स्पॉट तो ये कर चुकी है नियो, बहुत रिस्की रिवाइवल दे रहे हैं जोनाथन को जो शायद सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बट एंट्रिक्स के बहन वेनम यहां पर अपनी एकेएम से बहुत खतरनाक जहर उगलते हुए, दोनों ही टीम से दो दो प्लेयर नॉकआउट है, रिवाइवल मिल जरूर चुका है जोनाथन को, बट स्मोक पाथ बना के जोन के अंदर अपनी जो एंट्री है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कम समय बचा है, सिर्फ 18 सेकंड्स बचे हैं, 26 मीटर का डिस्टेंस भी ट्राई करना है, और ये लीजिए रास्ता क्लियर हो चुका था, टॉप 4 के अंदर जगह सिक्योर हो चुकी है, 20 के ला गए हैं एनटीटी की टीम के पास, अपना आईजीएल जरूर से गवा चुकी है बट कॉल्स बहुत अच्छी आने वाली है, और आई थिंक एरिया की अगर आप बात करें तो कितना सिक्योर्ड एरिया है एनटीटी की टीम के पास। अब
20 फिनिशेस, क्लच गॉड का बेशक वहां पर सैक्रिफाइस उठाना जरूर पड़ा है, लेकिन स्टिल तीन खिलाड़ी यहां पर अवेलेबल है। और ये जो जगह है, ये जो टावर के नीचे जो जगह मिल मुझे नजर आ रही है, भाई भी यहां से आराम से स्नीकी पीक, आराम से पीक ले सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। वही चीज देखने को मिलती है, ESN हसल को बाहर थे, एंड देखिए बाहर वाली जो फिनिश है ना उसको भी निकालते नजर आ रही है टीम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब मौका बनेगा, क्या देखते हैं। एंटिटी ने जहां से कल अपना दिन खत्म किया था वहीं से शुरू किया है, क्योंकि 20 पे तो ये खत्म कर कर गए थे और 21 से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो न जाने कौन सी आज यहां पर अपनी एनर्जी दिखाने के मूड में आ रही है टीम एंटिटी। आप एक बार जोनाथन का ये अग्रेशन देखे, रुक नहीं रहे हैं, 800 किल्स आ चुके हैं इनके पास और ग्रेनेड्स की बारिश यहां पर कर दी है, मिनी रेड जोन बनाने की बारी है। तीनों ही प्लेयर्स की एक क्लियर इंटेंशन दिख रही है कि ग्रेनेड्स के अंदर कहीं कमी नहीं छूटनी चाहिए, अपनी जो भी यूटिलिटीज थी जो एग्जॉस्ट हो गई थी इनको रीफ्यूल करा, यहां पर जितनी भी क्रेट्स मौजूद थी। 4v3 की ये फाइट है, आउट नंबर एनटीटी की टीम है, बट प्रबल दावेदार और जिस तरीके का फ्लो इनके पास है, प्रबल दावेदार तो यही लग रही है, डिफेंड करता है ये ओपनिंग पर। इंडियन टाइगर्स की टीम है सामने, गेम जो टफ मुकाबला होगा ये अभी के लिए। देखिए स्टिल इंडियन टाइगर्स को चाहिए कि जब उनको पता है ऑलरेडी तीन खिलाड़ी मौजूद है उनके, तो एक को बस नॉकआउट निकाले, उसके बाद जब 4v2 का स्नैरियो होता है तब कहीं ना कहीं वहां पर नंबर्स वांटेज बहुत फायदा दे सकते हैं। अभी के लिए बैग को अगर निकाल देगी यहाँ पर टीम एंटिटी तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें कुछ कुछ जगह पर थोड़ी सी लॉन्ग ग्रासेस है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ी सी छोटी ग्रासेस जहां पर उनकी लोकेशन स्पॉट होती है, और ये की बात करता है, लेकिन जी कॉड का रिफ्लेक्स देखिए, एंड इसी बीच मेरे ख्याल से आईटी सारंग भी हो सकते हैं यहाँ पर नॉकआउट, लोकेशन स्पॉट आउट हो चुकी है यहाँ पर टीम एंटिटी की। आई थिंक इंडियन टाइगर्स को जोन का फेवर नहीं मिला, बहुत ज्यादा खतरा जाएगा, नंबर एडवांटेज टीम के पास, जोनाथन यहाँ पर बचेंगे, आखिरी प्लेयर बचा है, स्पॉपर एक्सपोर्ट कर लिया जाएगा टीम एंटिटी जहां गेम ओवर।